आज आपके साथ हम एक और चीज शेयर करेंगे, वाई लाइफ राजी ही क्यों। अभी यहाँ पर हमने अपनी टेबल पे आतंक मचा दिया खा खा कर, बहुत सारा खाना खाया। Yo guys, welcome back to another vlog. आपको मेरी आवाज से तो पता चल ही रहा होगा कि हाँ कुछ तो हुआ था। हाँ, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा जो हमने 0 डिग्री का डाला था, उसके अंदर मैंने पिया था बर्फ वाला पानी और बर्फ वाले पानी ने मेरा गला जमा दिया। वो था बहुत ठंडा और उसने करा सनी को एकदम गंदा। ये तो बहुत ही गंदा था। हाँ, तो हाँ लेम। तो अभी हम लोग ऐसे ही वीकेंड आ गया फिर से, तो अभी हम लोग दिल्ली जा रहे थे कुछ काम से, तो नारियल पानी से हमने अपनी दिन की शुरुआत करी है और टाइम हो रखा है 3 बज रहे हैं। तो रात में हम ताबड़तोड़ कुछ खाएंगे, अभी हम लोग अपना लाइट रख रहे हैं, अपना नारियल पानी पिया है, कुछ और मन करेगा तो देखते हैं। और टेम्परेचर यार बाहर बहुत गर्मी है, लाइक बहुत गर्मी, 41 डिग्री सेल्सियस हो रखा है यार। और अभी निकलते हैं यहाँ से, दिल्ली की तरफ चलते हैं, कुछ काम है उसको निपटाते हैं, फिर आपको और अच्छी ताबड़तोड़ अपडेट्स देते हैं। और बाकी आज का कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, देखते हैं कि क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। और आज आपके साथ हम एक और चीज शेयर करेंगे, वाई लाइफ राजी ही क्यों। ब्रोकली खा रहे हो बारबेक्यू नेशन में आके, तो हम लोग आए हुए हैं बारबेक्यू नेशन और यहाँ पर हम खाने को एंजॉय करने आए हैं। बहुत दिन बाद घर से बाहर निकले हैं क्योंकि तबीयत खराब थी, और यहाँ के बफे को एंजॉय कर रहे हैं। एकदम सुबह से कुछ नहीं खा रखा क्योंकि हम लोग काम से गए थे, नारियल पानी पिया था, फिर उसके बाद तो कुछ खाया नहीं, डायरेक्ट यहीं पर आ गए। और प्लान यही है कि बहुत सारा खाना खाना है यहाँ से, तो मज़ा आ रहा है। अभी तक थोड़ी बहुत स्नैक्स खाए हैं और खाते हैं, और ताबड़ थोड़ी नींद हो रही है अपनी, मज़ा आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हमने अपनी टेबल पे आतंक मचा दिया खा खा कर, बहुत सारा खाना खाया। ये मुझे इतना पसंद नहीं आया जो इनका इसको क्या बोलते हैं, ब्रोकली भुनी हुई इतनी अच्छी थी, बाकी सब कुछ अच्छा है और काफ़ी कुछ खा। ब्रोकली मुझे अच्छी नहीं लगी यार। आपको मैं पूरा एक व्यू देता हूँ इस जगह का, ये डेजर्ट एरिया है, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, ये बहुत सही है, पालक चाट इज़ वेरी वेरी नाइस। ये मैंने नहीं खाया है, शायद गोभी मंचूरियन या ड्राई गोभी पता नहीं कुछ तो बना रहे हैं। और पास्ता भी बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। निकिता खा रही है फ्रूट्स बारबेक्यू नेशन में। अभी बारबेक्यू नेशन में फ्रूट्स कौन खाता है। चाप भी आ गया हमारी, चाप खाते भी। मम्मी पापा को तो सूप ही अच्छा लग रहा है, सूप ही सूप पी रहे। ये सोया टिक्का चाप हमारी, वैसे यहाँ पे मेन्यू में होती नहीं है, पर आप ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें रिक्वेस्ट करके आप इनसे ले सकते हो। नहीं, अधिकतर नहीं होती, नहीं तो खुद ही लाके दे देते। ओके, मुझे याद नहीं आगा फिर। तो यार अभी शांति हो गई थोड़ी से माहौल के अंदर, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा खा खा कर थक गए, हम लोग भी थक ही गए। करीबन 1 घंटे से खाना खा रहे हैं, स्नैक्स खाए बहुत सारे, मज़ेदार अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा। मेन कोर्स में अब थोड़ा बहुत ही खाने के लिए बचेगा। तो यार ग्रैंड मॉल के अंदर हम आए हुए हैं बारबेक्यू नेशन के अंदर, और हमारा यहाँ पर हम काफ़ी बड़ी पहले भी आए निकिता और मैं, और अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। हम लोग सोना रोड बारबेक्यू नेशन पे भी गए हैं जो गुड़गांव में, वहाँ पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये ज़्यादा बढ़िया है। हम लोगों ने भी एम्बियंस ट्राई नहीं किया, एम्बियंस ट्राई करना, और बाकी इधर उधर कई बार जाते जाते ट्राई कर ही लेंगे। अपना मेन कोर्स कर रहे हैं, मेन कोर्स में मैंने अपनी दाल मखनी, राजमा और थोड़ा सा रोटी, थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ा सा सैलेड। तो मज़े से निकिता खा रही है, निकिता ने तो अपनी प्लेट के अंदर अलग ही खिचड़ी बना रखी है, अच्छे से इंजॉय। राजमा चावल खा रही हूँ। कैसे है राजमा चावल यहाँ के। मैं भी राजमा चावल नहीं खाना, मैं बिरयानी चावल खाने वाला हूँ।
तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और निकिता ने सारा तरबूज खा लिया और ये और तरबूज खा लिया। भाई इतना क्यों खा रही हो? चले निकालना नहीं है सीड्स क्यों? चल बारबेक्यू नेशन को कर देते हैं बाय। तो ये ग्रैंड मॉल है, रात में एकदम शांत, अलग ही लेवल का। तो हम लोग थर्ड फ्लोर पे थे, हमने गाड़ी पार्क वहाँ पे कर रखी है, तो इसलिए मतलब जो वहाँ पे लिफ्ट है वो हमारे काफी क्लोज है, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं, गाड़ी के क्लोज है। यो गाइस, तो आपने देखा कि हम लोगों ने बारबेक्यू नेशन में एकदम मस्त तरीके से खाना खाया, पेट पूरा भर गया। सुबह जब हम निकले थे तो लाइक हम दिल्ली गए, दिल्ली में ट्रैफिक था काफ़ी ज़्यादा, अपना काम हो गया जिस काम के लिए गए थे, फिर उसके बाद हम लोग घर आए, फिर सब लोग हम लोग बारबेक्यू नेशन गए। और लास्ट वीक जैसे आपने देखा होगा 2-3 ब्लॉग्स हम लोगों ने मिस कर दिए थे, वो आ नहीं पाए। उसका एक ही रीज़न था कि हमारी मेरी तबीयत ख़राब थी और निकिता की भी थोड़ी तबीयत ख़राब ही थी, तो उस सब को लेकर हमने कोई ब्लॉग पब्लिश नहीं किया था, हमने बना ही नहीं पाए थे, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे घर से। हाँ, पहले निकिता की तबीयत ख़राब थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर बस ऐसे ही ऐसे कोविड वगैरह नहीं, जैसे हम लोगों ने सर्द गर्म हो जाता है ना, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, और फिर हमने खाना वाना खा लिया ठंडा एकदम, तो इस चक्कर के अंदर तो ऐसे ही वाट लग गई थी। तो अभी फिर से रिज्यूम कर लिया अपने ब्लॉग्स बनाना। और कई लोगों ने हमसे पूछा था कि वाई लाइफ राजी, तो इस ब्लॉग के अंदर हम आपको उसका आंसर करने वाले हैं। तो निकिता, वाई लाइफ राजी? लाइफ राजी तो हमें राजी हाँ, तो कहीं ना कहीं लाइफ राजी एक ना बहुत पॉजिटिव वाइब देता है आपको, क्योंकि हम राजी होते थे हर चीज करने के, लाइक लेट्स डू इट। तो और दूसरा लाइफ राजी ना, ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ है राजी, लाइफ एग्रीड, जो भी आप करना चाहते हो, तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब सी आई थी, तो इसलिए हमारे चैनल का नाम कहीं ना कहीं हम जब ढूंढ रहे थे तो हमने लाइफ राजी रख दिया था, और बहुत अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव लगता है, हम किसी को भी बताते हैं और अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, और इसी बीच में हमारे जो वीक था जब हमारे लाइक हमारी तबीयत वगैरह खराब थी, तो हमें शादी को, हमारी शादी को 3 साल हो गए थे और हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था उस दिन, निकिता अपना काम में बिजी थी, मैं भी बिजी था और थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए आज हम लोग फैमिली के साथ, वीकेंड था तो हम लोग निकले और हमने सेलिब्रेट किया और बारबेक्यू नेशन में एक नंबर का खाना खाया और मज़ा सा आ गया, है ना निकिता? यो अभी बाहर एकदम शांति हो गई है, कुछ ज़्यादा ही शांति है आज तो, और के अंदर चलते हैं। निकिता थोड़ा बहुत सामान समेट रही थी, मेरा लैपटॉप वहीं पर पड़ा रहता है काम धाम के चक्कर में, तो अभी एडिटिंग वगैरह शुरू करता हूँ और इस दिन को ख़त्म करते हैं, कल कुछ और करते हैं, कल है संडे। वैसे हमारा इस वीकेंड का था कि हम कहीं पर जाएँ, मतलब कहाँ जाएँ, कहीं तो जाएँ, और जैसे कि नैनीताल हो गया, ऐसी जगह जाने का प्रोग्राम है हमारा, इस वीक नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीक हम प्रोबेबली करेंगे ही करेंगे, अब वो मतलब करना ही है, करना नहीं मतलब, हाँ मतलब मौसम अच्छा हो यार, यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है और वीकेंड होता है, वीकेंड में हम काफ़ी ट्रैवल कर लेते हैं, तो आने वाले समय में भी जो अब नए वीकेंड आने वाले हैं उसमें यही प्लान करते हैं कि ट्रैवल किया जाए। उसके अलावा नैनीताल, नैनीताल के बाद हमारी कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिप्स हो सकती है, लद्दाख जाना है हमें इस साल, वो भी करना है, और देखते हैं कैसे करेंगे, क्या होगा, उसकी भी प्लानिंग अब शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, ऑफिस में छुट्टी वुट्टी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो लंबा समय चाहिए होगा, यही प्लान है हमारा। चलते हैं, मज़े करते हैं, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो हमारे ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, लाइफ राजी है हमारी, यस, पीस आउट, बाय।